कमीशंस, इदारे हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे कैबिनेट मेंबरान के डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, वो खुद हैं, उनको दाद देना चाहता हूं कि उनकी तरफ से जो एक इनपुट इस पूरे बजट में आया है, जिसमें उन सब ने बड़ी मेहनत की है, इसके साथ साथ वो महकमे जो इसके अलावा हैं, मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ, खासकर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, ACS डेवलपमेंट, फाइनेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके हवाले से जनाब जऊर साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस बजट के हवाले से, उन सब सरकारी इदारों और इन सब का मैं बड़ा मशकूर हूँ जहाँ इन सब ने मेहनत की और बलूचिस्तान का 2020-2021 का बजट के लिए मुआवनत की और जिसे हमने पेश करके मंजूर फरमाया। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपोजिशन का भी बड़ा मशहूर कि इस साल कम अज़ कम हमने थोड़ी बहुत, ये तो हिस्सा भी है जैसे हमने नेशनल असेंबली में बाकी जगह भी देखे, लेकिन इस साल हमने कम बैनर देखे, कम किताबें पढ़ती हुई देखी, कम अखलाकिया से चीज़ें आगे बढ़ती हुई देखी। इस दफ़ा मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने भी इस दफ़ा एक बड़ेपन का इजहार किया और यकीनी तौर पे अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे चंद दोस्त भी उनके पास गए थे कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा रवैया रहा, और अगर हम इसको इख्तिताम भी अगर इसी रवैये के साथ करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर अपोजिशन के मेंबरान भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं या आपके तवसल से अगर वो अगर यहाँ आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी स्पीकर साहब कि वो इस बजट को भी हम इख्तिताम एक अच्छे अंदाज में आज कर लें। मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ, सोशल मीडिया का, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, जनाब स्पीकर साहब, कि उन्होंने बलूचिस्तान के इस पूरे बजट को कवर किया, सारे डिपार्टमेंट्स के मामलात को कवर किया, सेशन के मामलात को कवर किया और बलूचिस्तान के हवाले से ये जो आगाही है, जैसे हम समझते हैं कि हम जब इस माइक पे बात करते हैं या किसी भी फ्लोर पे बात करते हैं, हमारी आवाज़ को आगे ले जाने में जो सबसे बड़ी मावनत है वो मीडिया की है। तो मैं मीडिया के सारे ग्रुप्स का, यहाँ पे बलूचिस्तान के खासकर उनके जितने भी नुमाइंदगान हैं, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस बजट को कवर किया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे साल को खैर से हमारे लिए आफियत, अमन, बेहतरी और ख़ासकर इन जो चैलेंजेस का हमें आगे सामना करना होगा इसमें हमारी मदद पर फरमाए, ताकि हम बलूचिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें, अपनी कारकर्दगी और बेहतर बना के आगे दिखा सकें। जनाब स्पीकर साहब, किसी भी हुकूमत के लिए अपनी कारकर्दगी को बयान करना सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब वो अपनी कारकर्दगी का कंपैरिजन या उसका एक जो बैलेंस है वो अपने माजी में, अपने ही एक दौर में, अपनी हुकूमत के एक साल या दो साल की कारकर्दगी पर ला सके। मैं यकीनी तौर पर इस पर यह ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जब हमने 2018 में संभाली, यकीनी तौर पर हर हुकूमत के अपने चैलेंजेस होते हैं। आप जब वजीर आला थे आपके चैलेंजेस अपने थे, आपसे पहले नवाब सनाउल्लाह साहब थे, उनसे पहले डॉक्टर मालिक साहब थे, इसी तरह जनाब असलम रहसानी साहब थे और चूँ जितने भी मेरे वाले साहब भी रहे हैं। तो हम जितने भी हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, हमारे अपने डायनेमिक्स होते हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए चैलेंज होता है, कभी पावर्टी होता है, कभी ड्राउट होता है, कभी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मैं हतमी तौर पे कभी भी किसी हुकूमत को कमज़ोर या लेस परफॉर्मेंस नहीं कहता, क्योंकि हमें हर हुकूमत के अपने मामलात को देख के फिर कुछ फैसले और फिर कुछ तज्जिये करने होते हैं। और जो शायद मैं आपकी जगह हूँ, आप मेरी जगह हो या मैं किसी और की जगह हूँ, हम उनका सही तज्जिया नहीं लगा सकते। लिहाजा मैं यही बेहतर समझता हूँ कि हम इस जो 2018 के बाद जिस एक गवर्नेंस के सेटअप में जो चीज़ें हम ला रहे हैं आस्ते आस्ते, ये इंशाल्लाह वो बेंचमार्क बनेंगे जिनके ऊपर आने वाले हुकूमत अपनी कारकर्दगी को एक बेस बना सकते हैं। और वो सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम ऑफिशियली कुछ चीज़ों की तरतीब देंगे, और जब तक अगर हम इस तरह की चीज़ों की तरतीब नहीं देंगे तो हम भी एक तरीक़ेकार सही तरीके से बना नहीं सकते। मैं अमूमन दोस्तों को कहता हूँ कि जब एक स्कूल में एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसकी जो मार्किंग सालाना आती है वो किसी एक परफॉर्मेंस पे या एक कमजोरी पे नहीं आती। उसकी यूनिवर्सिटी उसका एक पूरा तजिया उस स्टूडेंट का लेती है
कि इनिशियल ईयर में इसने अपने पहले सेमेस्टर में क्या किया, इसने अपने टेस्ट में कैसे मार्क्स लिए, इसकी पार्टिसिपेशन अपने क्लास में कैसी थी, इसका रवैया कैसा था, इसने अपने बाकी मिड टर्म में या फाइनल टर्म में किस तरह फाइनल मार्क्स लिए, और फिर तज्जिया पूरे साल का बन के फिर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इस मुल्क में इस चीज़ का एक बड़ा फुकदान है कि हम 10 में से दो आदमी दो काम सही नहीं करता और 8 काम उसके अच्छे होते हैं, हम उस दो कामों में उसको पकड़ के उसकी पूरी कैरेक्टर को ख़राब कर देते हैं, उस महकमे को ख़राब कर देते हैं। और कहीं कहीं इसका उलट भी होता है, कहीं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमजोरियां दिखाते हैं लेकिन एक काम अच्छा कर लेते हैं, वहां उनकी वाह वाह बहुत होती है। हम ये समझते हैं कि हमें इन चीजों का बदलना चाहिए, हमें लोगों के लिए एक बड़ा होलिस्टिक एक अप्रोच रखना चाहिए जहां हम उनकी हर चीज की परफॉर्मेंस का एक तरीकाकार बनाए कि ये डिपार्टमेंट है, ये इदारा है, ये किस तरह काम कर रहा है, इसके क्या KPIs होने चाहिए, इसके क्या क्या टास्क थे, इसने क्या टाइम पे किए नहीं किए, सूबे को फायदा हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजों का तज्जिया करके फिर हम अपने एक डिसीजन पे लाएं। इससे फायदा क्या होगा कि आने वाले वक्तों में जब भी किसी भी हुकूमत किसी इदारे किसी डिपार्टमेंट किसी इंसान किसी पार्लियामेंटेरियन किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाएगी तो वो कम से कम अपनी पूरी परफॉर्मेंस के हवाले से हर चीज वाजे कर सकेगा और किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेगा। और जनाब स्पीकर साहब, हमने भी इसी तौर पे सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए चैलेंजेस का सामना करते हुए चीजों को आगे ले गए। 2018 की हुकूमत जब आई, हमें यकीनी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे मैंने कहा कि हर दौर के अपने चैलेंजेस होते हैं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा, सॉरी आपको मुदाखलत कर रहा हूँ, PTV के अभी तक उन्होंने लाइव इसको चला नहीं रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट सेशन को और कायदे वान इसमें स्पीच दे रहे हैं, तो PTV को हम कहते हैं कि इसको हमारे अपने चैनल गवर्नमेंट चैनल हमें कवरेज नहीं दे देंगे, बाकी चैनलों से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमें कवरेज देंगे। तो सॉरी जम सर। तो जनाब स्पीकर साहब, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट और हमने जब मुश्तरका तौर पर अपनी बहुत सारी मीटिंगें इजलास किए तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आईं जिनमें हम सब ने मुश्तरका तौर पे महसूस किया कि गवर्नेंस मॉनिटरिंग एवेल्युएशन रिफॉर्म्स लॉज अमेंडमेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन फिस्कल और ये सारी चीज़ें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ, जब तक कि कोई हुकूमत नहीं करेगी तो वो हुकूमत अपनी कारकर्दगी कभी आवाम को एक अच्छे अंदाज में बयान नहीं कर सकेगी। आज ऑपोजिशन ने, जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक बात की कि जनाब ये एक आवाम दुश्मन बजट है, ये दो अल्फाज कहने को तो बहुत आसान है लेकिन अगर कभी कोई किसी से बात करे कि जी आवाम दुश्मन अगर हैं तो किन वजूहात की वजह से हैं, और अगर आवाम दोस्त भी हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम इसको आवाम दोस्त कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी कैबिनेट और सारी पार्टीज ने मिलकर जो बजट बनाया है कि हमारे बजट को आवाम दोस्त किस तरह बना रही है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर रोशनी डालूं और फिर ये फैसला हम आवाम पे छोड़ें, फिर ये फैसला हम तज्जियाकार लोगों पे छोड़ें, फिर हम ये फैसला उन लोगों पे छोड़ें जो सोच और फिक्र रखते हैं, जो लोगों के मसाइल को देखते हैं, जो उन मसाइल का शिकार हैं, और उसके बाद अगर ये बलूचिस्तान की आवाम ये फैसला करती है कि 2020 और 21 का बजट आवाम दुश्मन है और दोस्त नहीं, फिर उसके कसूरवार हमारी गवर्नमेंट जरूर होगी। लेकिन सिर्फ मैं माइक पे आके ये कह दूं कि ये आवाम दुश्मन है और फिर मैं ये भी बोल दूं कि आवाम दोस्त है तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह ये चंद चीज़ें थी जो मैं समझ रहा था कि जिनको आस्ते आस्ते जिस तरह हम जिस पे हम बात करेंगे जिस पे हम अपनी तज्जिया लाएंगे ये सारी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी उस पे हम बात करेंगे। मैं जनाब स्पीकर साहब अपनी शुरुआत, क्योंकि हमारा ये दूसरा बजट है, एक तरह से तीसरे साल का दूसरा बजट है क्योंकि पहला बजट पिछली गवर्नमेंट ने जब किया था उसके बाद हमने वो पूरा बजट चलाया और उसके बाद फिर हमने अपना पहला पेश किया, फिर आज हम दूसरा पेश कर रहे हैं। एक तरह से फाइनेंशियल ईयर हमारा 3 है और इसके बाद जो भी आएगा। और हमने इस पूरे साल में क्या किया, हमने पिछले बजट में क्या किया, हमने वो कौन सी चीज़ें थी जिनसे हमने लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया,
हमने पब्लिक के लिए वो कौन सारे सारे काम किए, वो कौन सी चीज़ें थी जो शायद एक हुकूमत अपने हवाले से बोल सके। मैं कोशिश करूँगा इसको दो हिस्सों में तकसीम कर, एक तकसीम मैं करूँगा डेवलपमेंट साइड में और एक मैं तकसीम करूँगा नॉन डेवलपमेंट। अमूमन तरक्याती कामों को हमेशा समझा जाता है कि तरक्याती काम ही असल तरक्की का एक मेन वजह बनती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मैटर होते हैं, आपके पॉलिसी फॉर्म्स होते हैं जो उनसे भी बहुत बड़ा एक रिलीफ देते हैं पब्लिक को, जो चीज़ों को बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन अमूमन उसकी तरफ हमारी नज़र बहुत कम जाती है। हम अगर अपोजिशन बन के भी तकारीर करते हैं तो हमारा मेवर हमेशा ये रहता है कि जी मेरे ज़िले में ये काम नहीं हुआ, मेरे ज़िले में ये स्कूल नहीं दिया, मेरे ज़िले में आपने ये नहीं दिया, लेकिन हम कभी पॉलिसी मेकिंग या हमारे डिपार्टमेंट्स के जो बाकी मैटर्स हैं उनकी तरफ हमारी हमारा रेफरेंस एक बहुत कम जाता है। जनाबे स्पीकर साहब, माजी की तरह हमने जैसे एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ों का एक स्टार्ट लिया और जिसमें हमारे कुछ मेंबर्स भी बैठे थे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं जो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉरेन इनिशिएट होते हैं। हम आप चाहे उसमें अगर आप ये समझें कि रेजिडेंशियल कॉलेजेस का हो, आप ये समझें कि बोर्डिंग स्कूल्स का हो, आप उसके साथ अगर डिजिटल लाइब्रेरीज का समझें, आप उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से प्लानिंग स्ट्रेटजी समझें, या आप कम से कम उन चीज़ों के हवाले से समझें कि जो ज़रूरी होती हैं, इस हुकूमत ने अपनी कोशिश की कि इन चीज़ों को आगे की तरफ ले जा सके। लेकिन हमने सबसे पहले ये महसूस किया कि जब तक एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी तो ये सारे प्लान और ये सारी चीज़ों को एक मंजिल तक पहुँचाने के लिए बड़ी मुश्किल होंगी। तो हमने अपनी पहली कोशिश की कि हम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को थोड़ा बेहतर करें, ताकि हम जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा किसी न किसी अच्छे अंदाज में चीज़ों को आगे ले जा सके। और उसमें जनाब स्पीकर साहब, ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे हमने PSDP फाइनेंशियल चीज़ों की रैशनलाइजेशन की। मैं यकीन कह सकता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी न किसी वजूहात की वजह से रह गई होंगी। मैं नहीं कहता कि उनमें बहुत सारी चीज़ें सारी कमज़ोर थीं, लेकिन एक अक्सरियत हमने देखा कि इस PSDP में एक अक्सरियत ऐसी स्कीमों की हैं जो बहुत अरसे से चल रही हैं, किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचती हैं, या जिनको तरीक़ेकार जिनका ठीक नहीं बनाया होता है। तो हमने एक बहुत बड़ा स्टेप उस पर लिया जो आज तक भी चल रहा है, लेकिन हमने उस प्रोसेस को टोटल ख़त्म नहीं किया। क्या हम ये नहीं कह रहे कि शायद 6 महीने पहले जो एक चीज़ हमें उस वक्त बेहतर नहीं लग रही थी हमने उसको कैप्ड और दूसरी स्कीमों में रखा है, जिस पे बाकायदा डिलिब्रेशन हो के अगर ये सही आती है तो हम इनको वापस भी रख सकते हैं। और इसी सिलसिले को बेहतर करने के लिए हर माह, यहाँ हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मेंबरान भी बैठे हैं, यकीनी तौर पर हर महीने 2019 से 2020 साल का जो हमारा एक साल का पीरियड अभी गुजरा है, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि इस PSDP को हम बड़ा रेगुलर फॉलो करें और देखें कि कौन सी चीज़ों की DSEs हुई हैं, कितनी PDWPs हुई हैं, कितने टेंडर हुए हैं, कितने अपने टेंडर स्टेज के बाहर निकल के ग्राउंड पे जिनके वर्क ऑर्डर्स मिल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किस तरह कर रहे हैं, सुपरविजन उनकी कैसी होनी चाहिए, CMIT का अपना क्या रोल हो, डिपार्टमेंट का अपना क्या रोल, कमिश्नरेट अपना क्या फीडबैक दे रहा है, सोशल मीडिया से हमें क्या फीडबैक मिल रहा है। ये वो सारे काम है जिनको हमने इस पिछले एक साल में पूरी कोशिश की कि इम्प्लीमेंट करें, ताकि बलूचिस्तान का एक एक पैसा जो अब इस सूबे में लगे वो बहुत हद तक एक अच्छे अंदाज में लगे और ज़ाया ना हो। इसी तरह हमने कोशिश की कि हम कुछ ऐसे इकदाम और भी करें जिनसे हमारा एक मेकैनिज़म एक नीचे लेवल पे चीज़ों को इस तरह से देखा जाए कि ये गवर्नमेंट अपनी हर स्कीम के लिए बड़ी सीरियस भी है। पहली दफ़ा बलूचिस्तान में PC1 के अंदर GPS कोऑर्डिनेट का एक हमने प्रपोजल फ्लोट किया, यानी कि इस साल से पहले और इस साल की जितनी भी आपकी स्कीमात हैं, अगर हम में से कोई भी ये समझता है कि वो एक स्कीम को भी उसकी कम से कम लोकेशन मालूम कर सके कि ये स्कीम पूरे बलूचिस्तान में ये स्कूल, ये नाली, ये रोड, ये पानी की स्कीम कहाँ बन रही है, तो वो उस कोऑर्डिनेट को डाल के गूगल मैप या किसी और मैप के थ्रू कम से कम वहाँ दे सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन यहाँ है। जिससे हमें एक और बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम जब माजी में अपनी स्कीमात को भी इसी फॉर्मेट पे लाएंगे इंशाल्लाह इस पूरे साल, तो हम पुरानी स्कीमात और नई स्कीमात और बनने वाली स्कीमात जब तीनों को एक साथ डालेंगे तो हमें डबलिंग और या ट्रिपलिंग या बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो निशानदगी आती है, हम उन चीज़ों से भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं।
हम CNW में एक बहुत बड़ा अच्छा निज़ाम ला रहे हैं कि एक ट्रैक सिस्टम भी हम बना रहे हैं कि CNW डिपार्टमेंट अब जितने भी रोड बनाएगी उसका बाकायदा एक डिजिटल ट्रैक बनेगा। उस डिजिटल ट्रैक का फ़ायदा ये होगा कि जब हम माजी के दूसरे रोड उस पर डालेंगे तो हो सकता है कभी कभी डिपार्टमेंट्स गलत नाम या किसी और तरीके से उसी स्कीम को रिपीट करते हैं और वो टेंडर भी कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी दिखाए जाते हैं उन पर काम भी हो चुका है। अब ये मुमकिन बहुत कम मुश्किल होगा क्योंकि जब वो अपना पुराना या नया PC1 लाएंगे और जो इस बजट में हमारा PC1 मंजूर हुआ है जब उसका ये ट्रैकिंग सिस्टम रोड का उसके साथ मिलाया जाएगा तो वो रोड खुद बताएगा कि यहाँ पहले काम हो चुका है या मजीद अभी आप काम करने की जरूरत नहीं है या ये PC1 अगर बना भी है तो ये किन वजूहात की वजह से बना है। जनाब स्पीकर साहब, हमारी हतमन कोशिश रही है कि हम पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स को, मैं दाद दूंगा हमारे कैबिनेट के मेंबरान को और हमारे जो MPAs हैं इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है बहुत जगहों पे जहां ये महसूस किया है कि हम बलूचिस्तान में रहते हैं यकीनी तौर पे हमारे पास लोग आते हैं यहां के ब्यूरोक्रेट हैं दूसरे लोग हैं सियासी लोग हैं हर आदमी की कोशिश करता है कि वो किसी न किसी ऐसे जगह पे काम करे जहां वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। लेकिन मैं कैबिनेट का मेंबर्स का बड़ा मशकूर हूँ और MPAs का भी कि हमने जब भी कुछ फैसले किए हैं उनमें मुश्तरक तौर पर कुछ चीज़ों को कम से कम एक बेंचमार्क ज़रूर बनाया है जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है और यकीनी तौर पे जहां हमारे डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी हमारे ऑफिसर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन पे एक अकाउंटेबिलिटी होगी हमारे हलकों में उसका इंशाल्लाह उसकी अफादियत को हम और बेहतर होते हुए देखेंगे। जनाब स्पीकर साहब, हमने दो चीज़ों का एक नई शुरुआत कराई, पहले भी होती थी लेकिन काम नहीं करती थी, चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट, एक जो CMDU का है मॉनिटरिंग डेवलपमेंट यूनिट के नाम से है कि जो कम से कम पूरे सूबे में मुख्तलिफ अजला में डिपार्टमेंट्स में चीज़ों को देखे कि क्या परफॉर्मेंस उनकी है क्या नहीं है किस चीज़ों पे कमी बेशी है। कभी कभी बहुत सारे हमारे मेंबरान हैं इलाके हैं उनकी चीज़ें रह जाती हैं फॉलोअप उनका सही नहीं होता, उस मेकैनिज़म को भी हम अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस में बहुत बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह सबसे पहली दफ़ा फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का सिस्टम जो पहली दफ़ा बलूचिस्तान में हमने इशू किया है जिससे बहुत चीज़ों को फ़ायदा मिला है। पहले हमें कभी नहीं पता चलता था कि चीफ मिनिस्टर या किसी भी इदारे से किसी डिपार्टमेंट से एक फ़ाइल है एक समरी है वो कहाँ पे है किसके पास है किस सेक्रेटरी की टेबल पे किस डिपार्टमेंट में है कितने दिनों से है कब गई थी कहाँ तक प्रोसेस गया। आज सेक्रेटरी साहिबान मिनिस्टर साहिबान अपने ही रूम में बैठे बैठे और हम यहाँ पर या चीफ सेक्रेटरी साहब हम ये सब देख सकते हैं कि ये मुतलका फ़ाइल किस डिपार्टमेंट के डेस्क पे कब से रखी हुई है और फिर उसकी हम मंथली एक शीट निकालते हैं जहां बाकायदा उस डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि इस फाइल ने आपके पास ये 2 महीने से थी या 3 महीने से थी ये किस वजह से आपने इतना टाइम लगाया क्यों इतनी देरी हुई। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मसला वक्त का है कि काम अगर देर से होने लगे उनके मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर कहीं ना कहीं हवाले से हम शायद उस पर गुजारा कर लें लेकिन फाइल वर्क समरी वर्क डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस वर्क अगर वो स्लो किसी हवाले से हो जाएं तो उनमें एक बहुत बड़ी कबाहत आ जाती है और वो उसकी परफॉर्मेंस को बड़ा वीक करती है। और ये शायद यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे साल में तकरीबन 2 साल होने को आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कोई 6,500 समरीज अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिपार्टमेंट्स और बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रोसेस कर चुकी है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास इन सब चीज़ों का है ताकि ये चीज़ें थोड़ी बेहतर अपने अंदाज में कर सकें। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो हमें मैटर नज़र आया वो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को एक फॉलोअप के अंदाज में था कि जहाँ पे जिम्मेदारी दी जाए कमिश्नरेट्स को डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं हमारे पास कई कमिश्नर्स और कई कमिश्नरेट्स पे डिविजनल लेवल पे डिपार्टमेंट के अफसरान हैं 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं एग्रीकल्चर के होंगे फॉरेस्ट के होंगे CNW के हैं कुछ काम नहीं करते या तो एक्सीडेंट डायरेक्ट काम करता है या तो फिर सेक्रेटरीट काम करता है ये लोग इनका कोई काम ज़्यादा इनसे लिया नहीं गया। और हम अभी कोशिश अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि ये जो डिविजन्स में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी अफादियत बढ़े ये अपना काम ज़्यादा बेहतर करें इनसे काम इनको हम फैसिलिटेट करेंगे तो ये आगे जाके काम बेहतर कर सकेंगे। मैं एक चीज़ की तरफ जनाब स्पीकर साहब जहां मैं मॉनिटरिंग इवेल्यूएशन और परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की बात बता रहा हूं साथ साथ फिर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट किसी भी हुकूमत में डेवलपमेंट का आता है और हर हुकूमत को उसके डेवलपमेंट बेंचमार्क से नापा तोला जा सकता है। मैं यहां पे बैठे जनाब ज़हूर बुलेदी साहब को
पीएनडी को और डिपार्टमेंट्स के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आज इनको दाद देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला ये पहली हुकूमत होगी जो इंशाल्लाह ताला अपने पीएसडीपी में से एक साल में 70 अरब खर्च करके पूरे साल में जा रही होगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहां माजी में मैं सुन रहा था जब हम बजट पेश कर रहे थे तो अपोजिशन की तरफ से हमेशा आता था कि जी पैसे लैप्स हो जाएंगे, पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जब हम जून अपना 30 जून ख़त्म करेंगे तो मैं उम्मीद रखूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट तकरीबन 65 अरब हम खर्च कर चुके हैं अपनी पीएसडीपी में से, और इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि आखिरी 2-3 दिनों में ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा पीएसडीपी के अखराजात में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ देखने को मिली। अमूमन जनाब स्पीकर साहब, आप भी हुकूमतों में रहे हैं, क्या होता है कि ग्राफ जो खर्च का है वो ऐसा दिखाता है कि मार्च तक ऐसे लगता है कि कोई हुकूमत पैसा खर्च ही नहीं कर रही, और अचानक मार्च अप्रैल और मई और जून में जब आप ग्राफ देखेंगे तो 50-55 अरब रुपए निकाले जाते हैं, 40 अरब 55 अरब, बल्कि मैंने ऐसा भी डेटा देखा है कि कुछ हुकूमतों ने आखिरी एक महीने में 45 अरब भी खर्च किया है। हमारा आप जब ग्राफ देखेंगे तो उसका पहली शुरुआत आपको अगस्त से मिलेगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यूं करते 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 इस जून तक ये पूरा सिलसिला अपने 70 अरब को पहुंचता है, जो शो करता है सिस्टम की, एक हेल्दी सिस्टम को शो करता है कि ये हुकूमत आखिरी महीने के खर्च करने वाली हुकूमत नहीं है। और हमें पता है कि वो खर्च कैसे होते थे, एडवांस पेमेंटें हो रही हैं, एक्स्ट्रा पेमेंटें हो रही हैं, उनके CMIT के बहुत सारे इंक्वायरीज चल रहे हैं, नैब के चल रहे हैं कि जी आखिरी दिनों में इतनी पेमेंटें हो गई। वो यकीनी तौर पे इसलिए होंगी कि जब पूरे साल हम पेमेंट नहीं करेंगे और आखिरी 2-3 महीने में अगर पेमेंटें करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो हमने पिछले साल, और ये रिकॉर्ड हुआ है, और मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, पूरे असम्बली को कहूँगा कि मेरे ख्याल ये पूरे पाकिस्तान में पहली सूबाई और पहली वफाकी हुकूमत थी जिसने जून 30 ख़त्म करके पहले 10 जुलाई के अंदर अंदर अपने टेंडर किए, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका सेहरा हम सब पे जाता है, इस हुकूमत पे जाता है, इसके मेंबरान पे जाता है। जनाब स्पीकर साहब, ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम बरवक्त करेंगे तो आज हम 70 अरब नहीं, कल को 200 अरब भी खर्च कर सकेंगे। लेकिन अगर हम, और मैं ये बात भी बताता चलूँ कि अगर ये कोविड ना होता और अगर बलूचिस्तान में बीच में जो बर्फबारी थी वो नहीं होती, तो हम शायद मज़ीद भी खर्च कर सकते थे। आप समझ सकते हैं कि 3 महीने कोविड के डेवलपमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी, शुरू के 3 महीनों में, 2 महीनों में तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर 3रे महीने खुली कि जहां फिर कॉन्ट्रैक्टर भी चले गए, डीमोबलाइज हो गए, इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, और फिर बलूचिस्तान में जो इस साल बर्फबारी जिस तरह हुई, इसकी मिसाल भी तकरीबन 60-70 सालों में बहुत कम मिलती है, जहाँ तकरीबन उन इलाकों में भी बर्फ़ हुई जहाँ लोग सोच नहीं सकते। क्वेटा जैसे शहर में भी ऐसी बर्फबारी हुई कि क्वेटा भी मफलूज हो गया, तो उसकी वजह से भी तकरीबन 2 महीने हमारे काम में रुके रहे। तो आप अंदाजे कर सकते हैं कि वो 2 महीने का अरसा और कोविड के अगर हम 2 महीने या 3 महीने मिला लें तो 5 महीने का टाइम हमें टफ मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी हेल्दी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट्स की, पीएसडीपी की करके ये पैसा आवाम तक कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, कामों के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने तक हर जगह गए। हमने जनाब स्पीकर साहब सिर्फ ये नहीं किया कि हर अपनी स्कीमों को हम आगे बढ़ाएं, और माजी में जिन लोगों ने अच्छे प्रोग्राम बनाए, जिन हुकूमतों ने अच्छे प्रोग्राम किए, उनको हम एक ठंडे डब्बे के अंदर रख के बंद कर दें और फिर अगली हुकूमत पे छोड़ दें, बल्कि ये वाहिद मेरे ख्याल हुकूमत बनी है जिसने अपना एक प्रोग्राम बनाया। हमारी कैबिनेट में हम एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा बैठे और हमने एक अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स जिनका फ़ायदा बलूचिस्तान को, जिसका फ़ायदा उन इलाकों को मिल रहा था, हमने उनको बंद नहीं किया, बल्कि हमने उनके लिए प्रोविजन रखी, एलोकेशन रखी और इन स्कीमात को भी कंप्लीट कराया। जनाब स्पीकर साहब, हमने 2003 से शुरू किया, हमने 2003 की भी स्कीमें कंप्लीट कराई, 4 की भी कराएं, 5 की भी कराएं, 8 की कराएं, 10 की कराएं, 11 की कराएं, 12 की कराएं, कुल जनाब स्पीकर साहब अगर हम इसकी लागत लगाएं, इस हुकूमत ने तकरीबन 181 वो बड़े काम जो पिछले 18 साल के थे हमने एक साल में कंप्लीट कराए। और ये मेरे दोस्त ऑपोजिशन में से, मेरे ख्याल उनके पॉइंट्स में था कि जी पुराने कामों को तो जी बिल्कुल भूल गए हैं और वो खंडरात बनते जा रहे हैं,
मैं यकीनी तौर पर ये नहीं कह रहा कि हमने एक डेढ़ साल में सब कंप्लीट कर दिए। हमारे पास तकरीबन 1500 स्कीमों का एक पलंदा है जो कि हमारी नहीं है, जो हमारे साथ चल रही हैं, लेकिन हम उनको देख रहे हैं, उनको उसका तजिया बना रहे हैं और जहाँ जहाँ चीज़ों में बेहतरी लानी है उसको बेहतर कर रहे हैं और उनको एलोकेशन रख के कम्प्लीट करा रहे हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, इसमें रोड्स भी हैं, इसमें कॉलेजेस भी हैं, इसमें अस्पताल भी हैं, इसमें स्कूल भी हैं, इसमें पानी की स्कीमात भी हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस साल भी हम इसकी मिसाल कायम करेंगे और इसकी मिसाल को और बेहतर करेंगे ताकि इसका फ़ायदा हुकूमत बलूचिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान के अवाम को भी पूरा जा सके। जनाब स्पीकर साहब, जहाँ तरक्की की बात होती है, जहाँ नॉन डेवलपमेंट की बात होती है, अगर हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, इदारों की मजबूती, इदारों की बेहतरी ना करें तो हम समझते हैं कि हमने एक सही जो एक मानों में चीज़ों को जिस इदारे ने आगे ले जाना है उसमें हम कमी बेशी करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा एक स्ट्रेटजी बनाई, एक प्लान बनाया कि हम ऐसे कौन सारे काम हैं जिनको हम करें जो हमारे बलूचिस्तान की चीज़ों को बेहतर कर सके। हमने उसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पहली सर्विस है पूरे पाकिस्तान में जो ये हुकूमत बलूचिस्तान कर रही है। ये हमारी बहुत सारी बातें शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसने सूबाई सतह पे नेशनल हाईवेज पे इमरजेंसी सेंटर लगाए हैं। इसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, एनएचए के होंगे या किसी और को होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएचआई और मर के थ्रू आज हब से लेके जोब तक हमारे ये सारे सेंटर्स मर्ग के, और इन्होंने कोविड में भी बड़ी मदद दी, एक्सीडेंट्स में दी है, स्नो में भी दी थी, बर्फबारी में, इन सब में भी दिया था, और इंशाल्लाह इस दफ़ा इस साल हम इसको मज़ीद आगे फैलाएंगे ताकि पूरे बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे अगर ये काम करती है नहीं करती, हम समझते हैं कि इस रोड पर चलने वाले इस ये मुसाफिर हजरात जो इस रोडों पर एक्सीडेंट या किसी भी वजूहत की वजह से तकलीफ़ में हैं, इनकी तकलीफ को दूर करने में हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन नेशनल हाईवे अपना काम पूरा करेगी उस दिन हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं करेगी हम बलूचिस्तान के जितने भी मुसाफिर हैं उनके लिए इस सहूलत को बरकरार रखेंगे, जो कि बहुत बड़ा कैबिनेट को ये इसका एक इसकी अप्रिसिएशन जानी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हमने फूड अथॉरिटी का काम किया जो कि बलूचिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं जनाब मिनिस्टर साहब को यहाँ दाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी मावनत की और ये पहली दफ़ा बलूचिस्तान में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हमारे पास यहाँ बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने बेहतर करने के लिए लाना था, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जिसका हमने कयाम किया है। इस सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अभी तक अपना काम इतने अंदाज में आगे नहीं किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम है जो सोशल वेलफेयर करने जाएगी। इसी के साथ साथ हमने एक इंश्योरेंस ऑफ जो एक इन्वेस्टमेंट है जो जिस साइल और वसाइल की हमेशा बहुत सारे लोगों ने बात की है, हम साइल की भी बात करते हैं, वसाइल की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को अभी तक नहीं समझे कि साइल और वसाइल को मेरी और आपकी तकदीरों से और मेरे और आपके यहाँ पे शोर करने से साइल और वसाइल हमारे जो है ना वो सेफ गार्ड नहीं होते। आपको कानून साजी करनी पड़ती है और ये इस हुकूमत ने कानून साजी की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज बलूचिस्तान की सरजमीन को आप किसी भी बैरून मुल्क किसी भी कंपनी या शख्स को नहीं दे सकते जो माजी में नहीं था। ये होती है आप साइल और वसाइल को आप इसको इसका तहफ्फुज करें। मैं इसी तरह ये पहली दफा हुकूमत है जिसने मिनरल पॉलिसी सबसे पहली दफा बनाई है। हमारे साइल और वसाइल क्या हैं? हमारी साइल हमारा जमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने सेफ किया, लेजिस्लेशन लाई, कैबिनेट ने मंजूरी दी, आज कोई भी बलूचिस्तान के एक इंच को किसी भी कंपनी या किसी भी इंफरादी शख्स जो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखता, जो पाकिस्तानी नहीं है, उसका मालिक नहीं बन सकता। दूसरी तरह हमने अपने वसाइल का तहफ्फुज़ किस तरह किया? आपके वसाइल आपके मिनरल हैं जिसकी हम बात करते हैं, उसके लिए हमने 2019 की पॉलिसी बनाई है। तो हम इस तरह इन दो चीज़ों का तहफ्फुज़ करेंगे, या मैं और आप डंडा लेके खड़े हो जाएं रोडों पे कि जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये दुनिया आजकल की ऐसी नहीं चलती। कानून साजी आज 18वीं तरमीम को अगर सबसे बड़ा तहफ्फुज़ हासिल है, कानून साजी है। आज जो भी चीज़ ये हुकूमतें बनाती हैं कानून साजी से बनाती हैं और हमने उसी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, मैं एक डेटा बड़ा अच्छा शेयर करता चलूंगा जो कि शायद इसी कंपैरिजन में किसी और हुकूमत के साथ बिल्कुल नहीं कर रहा,
लेकिन मैं डेटा दूसरों का नहीं बताऊंगा, लेकिन अपना ज़रूर बताऊंगा कि आपकी हुकूमत ने हमारे सारे, आप भी इसका हम सब हिस्सा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन 22 महीनों के अंदर हम तकरीबन फाइल्स और समरीज तकरीबन कोई 8,000 प्रोसेस कर चुके हैं। अमूमन यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ी सुस्ती आती है, बड़ा काम चीज़ें फंस जाती हैं, और अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं इसके डेप्थ में नहीं जा सकता, अगर 22 महीने का बेंचमार्क लगा लें कि चले जी 22 महीने में माजी में किन हुकूमतों ने की, तो हमारी जो सबसे पहली हुकूमत बनी समरीज के हवाले से, हमारे बहुत अच्छे मोहतरम दोस्त हैं वो यहीं थे, उनके 5,000 थे, डॉक्टर मालिक साहब का दौर आया वो तकरीबन 4,000 थे, सनाउल्ला जहरी साहब का आया वो 4,000 थे, आपका चूंकि टेन्योर बड़ा कम था लेकिन उसके हवाले से भी उसका रेशो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारा 6,000 के हवाले से था। इस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी इन चीज़ों के हवाले से दिखाती है। हमारे कैबिनेट मेंबर, कैबिनेट मीटिंग्स कितनी हुई, अगर 22 महीने का फार्मूला लगाएं, चूंकि नवाब साहब का टाइम 5 साल का था, इसी तरह जो दूसरा दौर आया 5 साल का था, नवाब साहब के दौर में 22 महीने में 16 हुए, डॉक्टर मालिक साहब के दौर में 10 हुए, नवाब सलाउल्लाह जहरी साहब के दौर में 6 हुए, आपने फिर भी अच्छे किए, आपने 7 किए, हालांकि 7 महीने का आपका टेन्योर था 6 महीने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने 24 किए हैं अभी तक, जो कि उनसे 10 कैबिनेट के मुकाबले में ज़्यादा है। ये जनाब स्पीकर साहब, ये और मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ कि क्योंकि कल को शायद ये बोलेगा जी हम तो इस तरह के 50 कैबिनेट कर लें, हमने सिर्फ कैबिनेट ही किए। जनाब स्पीकर साहब, कैबिनेट के एजेंडास क्या थे, कैबिनेट के एजेंडास पे अगर हम आए, जो पहली हुकूमत थी उन्होंने 22 महीने में 50 एजेंडा किए, दूसरी हुकूमत आई उसने 72 किए, तीसरी हुकूमत आई उन्होंने 40 किए, आपने भी अच्छा किया, आपके 102, आप उनसे बहुत बेहतर थे, हालांकि उन्होंने 5-5 साल का टाइम गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 390 किए। जनाब स्पीकर साहब, ये 390 एजेंडा का मतलब है कि हर वो फैसला जिसको कैबिनेट ने ओन किया है, जिसमें कैबिनेट ने तरमीम किया है, जिसको कैबिनेट ने इशू किया है, जिसमें उसने एक लेजिस्लेशन की है, कानून साजी की है, मामलात को हल किए हैं, ये 390 एजेंडा जिनकी मंजूरी हुई है ये उससे हैं। यकीनी तौर पे थोड़ा बहुत बैलेंस मैं उनको दूंगा नवाब साहब के दौर में, नवाब असलम साहब के दौर में, चूंकि उस वक्त हर फैसला कैबिनेट का नहीं होता था, उस वक्त तक जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उस वक्त बहुत सारे फैसले जो थे वो चीफ मिनिस्टर खुद किया करते थे, लेकिन उसके बरक्स 390 एजेंडास को इन तकरीबन 22 महीनों में करने का मैं शाबाशी हमारे कैबिनेट के मेंबरान को दूंगा, जिन्होंने 8-8 नहीं बल्कि 12-12 घंटे भी कैबिनेट की मीटिंग्स किए हैं, कुछ बैक के पेशेंट भी बन गए, अमराज में भी मुबतला हो गए हैं, लेकिन ये क्रेडिट हम सबको, आप सबको जाता है क्योंकि हमने बलूचिस्तान के मफाद में किए हैं। जनाब स्पीकर साहब, मैं रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ जो अमेंडमेंट्स या बिल्स हैं उसकी तरफ भी अगर हम आएँ तो आज तक हमारी हुकूमत ने 32 ऐसे अमेंडमेंट्स किए हैं जिनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की है, ये भी इसी गवर्नमेंट का एक हिस्सा रही हैं। ये जनाब स्पीकर साहब, ये बातें बताने का सिर्फ मकसद आज के दिन यह है कि हम कम से कम उन चीज़ों की तरफ थोड़ी अपनी नज़र फेराएं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको लोग जब सुने फिर वो हमारा तजिया करें, फिर अपोजिशन की भी बात सुने कि अपोजिशन ने इन 10 दिनों में वो कौन कौन सी बातें हैं जिनकी अपने अपनी तकरीर की, आज माशाल्लाह मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो हमारी भी तकरीरें रखी जाएंगी, इनकी भी तकरीर रखी जाएंगी, इन्होंने जो हम पे इल्ज़ाम लगाए माजी के 1-1.5 साल के और अभी आगे लगाने, यानी कि जो काम अभी तक हमने किए नहीं उनके भी इल्ज़ाम हम पे आ गए, तो कम अज़ कम पब्लिक ये फैसला करे कि ये बातें हवाई बातें नहीं हैं, यानी कि मैं कह रहा हूँ अगर कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो हुई है, अगर 390 एजेंडास हमने किए तो हमने किए हैं, उनमें अगर सबसे ज़्यादा अगर लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स किए तो हमने किए हैं, सबसे ज़्यादा अगर हमने एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया तो हमने बनाया है, इसका क्रेडिट तो कम से कम आप हमें इस चीज़ का ज़रूर देंगे। प्लानिंग की स्ट्रैटेजी जनाब स्पीकर साहब बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी हुकूमत के लिए, जो हमें बार बार ये तंज भी कभी कभी मिलता है कि इस हुकूमत को पता ही नहीं क्या करते हैं, इनके पास ना पॉलिसी है, ना इनको कोई स्ट्रैटेजी का पता है, ना इनको प्लानिंग का पता है। मैं अपने आप को बड़ा कम अक्ल समझता हूँ,
और कोशिश मेरी ये दुआ भी है कि मैं ज़िंदगी भर कम अकल ही रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। जिनको अल्लाह ताला ने अकल कुल दिया है वो उसका सही इस्तेमाल करें, और आप आएँ हमें सही बात बताएं। आपकी अगर तजावीज़ अच्छी होंगी हम क्यों नहीं लेंगे, हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि आपकी तरफ से अच्छी तजावीज़ आएँ। लेकिन मैं सिर्फ खड़े होकर ये बोलूँ कि ये अवाम दुश्मन बजट है तो इससे कुछ ज़ाहिर नहीं हो रहा, और मैं अगर ये बोलूँ कि ये हुकूमत जो है नालायक हुकूमत है, ये बात किसी चीज़ की दलील नहीं बन रही है। आप बात की दलील दें, रिकॉर्ड की दलील दें, परफॉर्मेंस की दलील दें, हम आपकी हमारी कमज़ोरी हम अपनी कमज़ोरी मानेंगे। लेकिन जहाँ हमारी कमज़ोरी नहीं है, जहाँ हमने आपको कन्विंस कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं, फिर आपको इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर साहब, हमने ग्वादर मास्टर प्लान 7 साल से बन रहा था, इस कैबिनेट ने मंजूर की, आज ग्वादर मास्टर प्लान फाइनल हुआ है। 5-7 साल आपने इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लिया, लेकिन आपसे पहले 5 साल एक हुकूमत थी, एक इंच भी क्वेटा सेफ सिटी नहीं हिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अपने जाके काम कर रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ज़रूरत है। जनाब स्पीकर साहब, हमने 30 अजला की मास्टर प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें क्वेटा भी शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान के बहुत सारे टाउन शामिल हैं। जनाब स्पीकर साहब, अर्बन और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए एक बाकायदा एक प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें कुछ डिले आती हैं, क्योंकि अर्बन प्लानिंग मास्टर प्लानिंग एक दिन का या कोई 6 महीने का काम नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, जिसमें बहुत बड़ा काम आगे होने को जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरत है। पहली दफ़ा आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बेहतर करना, उनके लिए ऐसे नहीं मंजूर करना, उसके लिए रोडों को ले जाना, ये पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने इस जामे अंदाज का प्रोग्राम बनाया कि हमने इन चीज़ों को आगे जाके बनाना भी है, उसको आगे ठीक भी करना है। कोस्ट डेवलपमेंट का मास्टर प्लान, उसका तरीक़ेकार, वहाँ जेटीज क्या हो, हमें कुदरत ने जिस साइल वसाइल की हम बात करते हैं, इतना बड़ा 700 किलोमीटर समंदर दिया है, लेकिन अगर ये हमारे बलूचिस्तान की बेरोज़गारी में, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी में और उसकी दूसरी चीज़ों में अगर इसकी अफादियत ना आए, तो फिर हम कसूरवार हैं कि कुदरत ने हमें तो बहुत अच्छी चीज़ दी है, लेकिन मैं और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, बस उस पर तकारीर ज़रूर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, वरना इन चीज़ों के लिए हमेशा वफाक को देखा जाता था कि जी वफाक कोस्ट डेवलपमेंट करे, वफाक प्लानिंग का स्ट्रेटजी बनाए, हम क्यों नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं, तरीक़ेकार भी है। ये पहली दफ़ा हमने मास्टर प्लानिंग ऑफ द होल कोस्ट बनाया है, और इंशाल्लाह इस साल आप देखेंगे कि इस कोस्ट की डेवलपमेंट पे हम एक बहुत बड़ी खतीर रकम हम खर्च कर रहे हैं, प्लान भी हम कर रहे हैं, सही कंसल्टेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और इंशाल्लाह इस 1.5-2 साल में जब लोग बलूचिस्तान के साहिल की तरफ सफ़र करेंगे, उनको बहुत सारी ऐसी सहूलियात देखने को मिलेंगी जो न सिर्फ उन इलाके के लोगों के लिए बेहतरी होगी, बल्कि जितने भी मुसाफिर होंगे उनके लिए भी बहुत बेहतर होगी। जनाबे स्पीकर साहब, चीज़ें तो माजी की बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने हल्के हल्के तरीके से चीज़ों को ले जा रहा हूँ। हेल्थ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमने इनिशिएटिव लिए, जिसमें बलूचिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल है, जिसको पिछले साल में हमने जिसका इनॉग्रेशन किया, कार्डिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का किया हमने, ड्रग एडिक्ट्स के लिए एक ट्रीटमेंट सेंटर के हवाले से एक कोशिश अपनी शुरू की है जो आगे की तरफ जाए, अर्ली चाइल्डहुड का पहला कॉन्सेप्ट टेलीमेडिसिन का, दूसरे का हमने क्वेटा में शुरू किया, जिसको हम बढ़ा के इंशाल्लाह इस साल अपने दूसरे अजला की तरफ ले जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर पावर्टी इराडिकेशन इनिशिएटिव के हवाले से एक प्रोग्राम है, उसका इनिशिएटिव लिया है। इसी तरह पिछली कैबिनेट ने बलूचिस्तान में सबसे पहली दफ़ा टेलीमेडिसिन के 4 हमने जो BHUs की अनाउंसमेंट की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंप्लीशन की तरफ हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे जितने भी अजला हैं बलूचिस्तान के, उन सब में हम टेलीमेडिसिन के थ्रू इस सर्विस को फैलाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, शायद अपनी नौइयत का बहुत बड़ा कम होगा कि जो कहीं हो रहा होगा। जनाब स्पीकर साहब, एजुकेशन में अगर बसेस हो, गर्ल्स कॉलेजेस के हवाले से मिसिंग फैसिलिटीज़ हो, कैडेट रेजिडेंशियल कॉलेजेस के हवाले से, इसी तरह प्रोविजन ऑफ शेल्टरलेस स्कूल्स हो, बाथरूम्स हो, वॉश फैसिलिटी हो, क्रिएशन ऑफ नए कमीशन्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी फाइनेंस, जो एक बहुत बड़ा हमने काम किया था कि
पिछली हुकूमतें सिर्फ 50 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटियों को दे रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने आके उसको 2-2.5 अरब की तरफ ले गए। ये भी इस हुकूमत को उसका क्रेडिट जाना चाहिए, जो अपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं उनके बारे में सोच रही हैं। ठीक है, ये वफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन जहाँ हुकूमत बलूचिस्तान मदद कर सकती है फाइनेंशियली, हम क्यों अपने बच्चों की सहूलत के लिए एक कदम आगे ना बढ़ाएं। जनाब स्पीकर साहब, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान का है, और मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी, लेंथ और एग्जीक्यूशन, इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे मेंबरान हैं, उनके अजला भी हैं, दूसरे हैं, ये पहली दफ़ा है कि बलूचिस्तान में तकरीबन 2,500 किलोमीटर से ज़्यादा का जो एक लेंथ ऑफ रोड्स है वो इस हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, जिसका सर्कल फैला हुआ था, जिसमें बड़े रोड भी थे, दरमियाने रोड भी हैं, जिसमें छोटे रोड भी हैं, और आरएफ मोहम्मद हसनी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे अंदाज में वो और उनकी टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, कि जहाँ इंशाल्लाह इस एक साल में बलूचिस्तान में ये जो रोड बनेंगे, जो बनने जा रहे हैं, इनकी क्वालिटी और इनके तरीक़ेकार को आप किसी भी गवर्नमेंट से इंशाल्लाह कंपेयर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क भी नुमाया नज़र आएगा। जनाब स्पीकर साहब, हमने हाजी तौर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ों की कभी कभी बाजी, बलूचिस्तान में इंडस्ट्री तो है ही नहीं, बलूचिस्तान में तो कारोबार ही नहीं है, बलूचिस्तान में तो कारोबार बस दो चीज़ें हैं, बलूचिस्तान में आप कोई प्लान करेंगे तो कारोबार बनेगा। बलूचिस्तान दुनिया में क्या, अमरीका में आप जाएँ, यूरोप में जाएँ, अफ्रीका में जाएँ, हर चीज़ें खुद बनना शुरू नहीं होती, लोग इनिशिएटिव लेते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा एक सहूलत दी हुई है, लेकिन हम उस पर सिर्फ बातें ज़्यादा करते हैं, मशवरे वो भी सही नहीं देते हैं, और फिर तंकीद के अंबार बिछा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुजदार लोरालाई दालबंदीन में मार्बल सिटी, जो मार्बल, यानी कि मुझे तो बड़ी हैरत होती है, जिन हलकों के लोग खुद हुकूमत का हिस्सा रहे हों और उनके हलकों के अंदर ही वो मार्बल भी हो और वो फिर ये जोन्स ना बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लोरालाई में, खुजदार में और दालबंदीन में इसका काम इस साल से शुरू हुआ है, और हम इसको मार्बल जोन बना रहे हैं इन तीन अजलाओं को, जहाँ पे लोकल चीज़ भी मार्बल की है और उसकी कटिंग भी हो, उसकी इंडस्ट्री भी बने, और इस पर हम एक बड़ा इंसेंटिव भी इंशाल्लाह हम आगे देंगे। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हमने एक जो SEC जोन्स का है, जो हबर बोस्तान का है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मंजूर हुए हैं। इनके मंजूर होने के बाद वफाक से भी चीज़ों में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की तब्दीली यकीनी तौर पे बहुत आ सकती है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें बलूचिस्तान लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें कभी कभी, चूँकि वो हैरत होती है, इसीलिए बार बार मैं रिपीट भी करता हूँ कि जी गवर्नमेंट को रोज़गार के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, ये GDP इंडिकेटर है, ये फिलहाल इंडिकेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमें भी पता हैं कि कहाँ पावर्टी के लेवल्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स क्या हैं, ग्रोथ के क्या हैं, तो उसके लिए बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें इनिशिएट की हैं जो कि हमारी चीज़ों को बेहतर करेंगी, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की है, जिसमें बलूचिस्तान इंडाउमेंट फंड जो हमारा एक बहुत बड़ा है, जिसपे आज भी मैं कहता हूँ ये हमारे उन प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा असद बलोच साहब को, जो यहाँ पर हमारे मिनिस्टर हैं, कि पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान में एक मेकेनिज़म के तहत कैंसर और बाकी पेशेंट्स के जो इलाज है गवर्नमेंट खुद करा रही है, और हमने, ये पहली हुकूमत है जिसने 9 अरब से ज़्यादा की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, जो इस तरह के ग्रांट और इस तरह की चीज़ों को आज पूरा करती है। तो आज हर महीने 10 से 15 लोग बलूचिस्तान के गरीब लोग, जो 40 से 50 लाख रुपए की एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तवसल से हुकूमत बलूचिस्तान उन इदारों में, उन अस्पतालों में इनका पैसा बेचती है, और आज तक तकरीबन 400 से 500 लोग वहाँ से सेहतयाब होके उनके लिए पैसे देके उनकी बहुत बड़ी मदद की गई है, जिसकी मिसाल कभी भी माजी में नहीं मिलती है। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह माइक्रो फाइनेंस का एक प्रोग्राम हमारा पिछले साल का यूथ का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री और दूसरे डिपार्टमेंटों के साथ है। इसी तरह हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हवाले से एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, पब्लिक माइक्रो फाइनेंसिंग, जो अखुवत का है, जो अपनी नौयत का बहुत मुख्तलिफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड प्रोग्राम में उसने हमें मदद भी दी, जहाँ हम लोग आम आदमी के साथ, क्योंकि हर आदमी तो कोई, यहाँ तो लोन उनको मिलता है जो करोड़ों रुपये मांगते हैं, गरीब आदमी को तो कोई 5 रुपए भी नहीं देता, यानी कि लोन लेने वाले बोलेंगे जी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, कारोबार है, अच्छा जी आपको 10 करोड़ देते हैं। एक आम आदमी जाते हैं कि जी मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो वो कहते हैं साहब आप, ये जगह आपके लिए नहीं, कहीं और से कर्ज ले लें।
बलूचिस्तान हुकूमत ने ये पहली दफ़ा प्रोग्राम अख़ुवत के साथ शुरू किया है जहाँ लोगों को कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये भी कर्जा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख का भी दिया जाएगा और इस पर कोई सूद भी नहीं है। तो ये प्रोग्राम अगर अवामी नौयत के नहीं है तो मेरा एक बड़ा सवाल पहुँचता है और इसका तरीक़ेकार भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। डॉक्टर अमजद साहब पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने MOU किया, वो खुद आए हमारी कैबिनेट को, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड में बहुत सारे घरों में वो पैसे तकसीम भी हुए हैं बग़ैर सूद के। तो ये सोशो इकोनॉमिक चीज़ें हैं जिनका हम जो ला रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जिसका फ़ायदा है। स्पोर्ट्स के हवाले से तालीम, स्पोर्ट्स हमेशा बात होती है, कुछ दोस्त ऐसे कहते जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, ना हो शायद किसी इलाके में, लेकिन मैं आज बड़े असूख से कह सकता हूँ, खालिक हज़ारा साहब यहाँ बैठे हैं, कि आज आप TV पर ऐलान कर दें कि जिस मुल्क में यूथ 70% हो और उनको बोले जी आप स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं, आप घर बैठ के लूडो या ताश खेलें और क्रिकेट ग्राउंड, जिमनेजियम, जिम और ट्रैकिंग ग्राउंड, फुटबॉल, सॉकर जो है ना, ये फिर हम सोचेंगे पता नहीं किस मखलूक के लिए बनाएं। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी। और ये बलूचिस्तान का बाकी प्रोजेक्टों के साथ साथ, इंशाल्लाह पिछले साल हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में इसलिए सिर्फ आई कि उसका PC1 का मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स था। इस बजट में आपने देखा होगा हर ज़िले का कॉम्प्लेक्स हमने उसका कोड अलग बनाया है और अलग वो अब टेंडर होगा। और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के तकरीबन 33 अजला में जब ये काम इंशाल्लाह इस साल शुरू होने जाएंगे, ये हमारी यूथ के लिए, उस इलाके के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, एक फैसिलिटी होगी जहाँ हमेशा हमारे प्लेयर एक ही बात करते हैं जी हम इनके साथ कहाँ मुकाबला कर सकते हैं, हमारे पास तो ना ग्राउंड है ना खेलने की जगह है। आज बलूचिस्तान के जब इंशाल्लाह ताला 4 साल बाद 5 साल बाद ये 35 कॉम्प्लेक्स सेंटर्स बनेंगे तो बलूचिस्तान अच्छे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करेगी, एक अच्छा माहौल भी बनेगा और चीज़ें भी बहुत बेहतर होंगे। इसी के साथ साथ 71 फुटस्टॉल का काम, 71 फुटस्टॉल, हम तो 4 फुटस्टॉल क्वेटा में बना के वाहवा लेते हैं, पिछली गवर्नमेंटों ने लिए हैं, 71 फुटस्टॉल जनाब स्पीकर साहब पूरे बलूचिस्तान में बन रहे हैं, उन अजला में भी बन रहे हैं जहां बेचारों ने शायद फ्लड लाइट भी जिंदगी में पहली दफा देखेंगे, ऑस्ट्रोटर्फ पहली दफा देखेंगे। हम सिर्फ तस्वीर के लिए प्रोग्राम नहीं बनाते कि मैं 4 क्वेटा में अच्छे बना लूं और फिर मीडिया आ जाए, मैं खालिक साहब और बाकी कैबिनेट के मेंबर चले जाएं, 4 तस्वीरें ले लें, हम बोलेंगे जी हमने बलूचिस्तान में तरक्की कर दी, खेल में हमने जी देखें फुटसॉल भी ले आए, तो अगला बंदा आएगा कि भाई आपने फुटसॉल कितने बनाए और कहाँ बनाए, तो हम बोलेंगे जी 4 बनाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बलूचिस्तान का हर वो जिला जिसके अंदर टाउन कमेटी मौजूद है वहां एक फुटसॉल आज बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है स्पोर्ट्स की तरफ आगे जाने के लिए। जनाब इस स्पीकर साहब, मैं अच्छे हमारे मोहसिन दोस्त भी यहां बैठे हैं, पार्टी भी, उस दिन एक गलत फहमी का माहौल बन गया था जिसपे मेरा ख्याल कुछ बातें समझी गई कुछ नहीं समझी गई। लेवीज के लिए जितना इस गवर्नमेंट ने काम की है शायद किसी गवर्नमेंट ने किया हो, और ज़िया लांगो साहब यहाँ बैठे हैं, QRFP क्विक रिस्पॉन्ड फोर्स किसकी बनी, कब बनी, इस हुकूमत में लेवीज की बनी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि लेवीज के अंदर भी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होगी कमांडो जैसी, अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। आज उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग्स बन रहे हैं, आज उनके अंदर बॉम्ब डिस्पोजल विंग्स बन रहे हैं, आज उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन का तरीकेकार हम बना रहे हैं, आज हम लेवीज का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बना रहे हैं, ये हुकूमत बना रही है, और ऊपर से इन्होंने कट मोशन लिया है और शायद समझे नहीं, शायद मैं पता नहीं, बहुत मुझे तो जेरे साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन है, कट मोशन का सिंपल एक मकसद होता है कि हुकूमत ने जो तजवीज़ दी है हम उससे इतफाक नहीं करते, और मुझे तो हैरत थी 90 कट मोशन उन्होंने उठा के डाल दिए, यानी कि बलूचिस्तान का हर इदारा जिसके लिए हम एक तजवीज़ दे रहे हैं, जिसमें पेंशनर भी था, जिसमें अदालतें भी थी, जिसमें लेवीज भी थी, पुलिस भी थी, कहते सब में कटाई करें, हालांकि वो शायद उनके लिए कट मोशन मुझे लगता है किसी और ने बनाए हो, वो किसी को जिम्मेदारी दी गई हो, उन्होंने भी एक प्रिंट आउट निकाल के दे दिया हो। कट मोशन अमूमन बड़े सोच के दिए जाते हैं, हमारी आवाम भी अभी तक कट मोशन ही समझती, कट मोशन इत्तेफाक गवर्नमेंट के इत्तेफाक से बरक्स होता है, कटौती करो, कटौती किसकी करते हैं आप, जिस चीज़ में आप कमी जाते हैं,
तो लिहाजा वो थोड़ी एएनपी को गलत फहमी होगी, लेकिन बाद में वो दूर हो गई। हम उसमें ये कहना चाहते हैं कि हम तो ऑलरेडी लेवीज को बढ़ा चुके हैं, हम लेवीज की पोस्टें बढ़ा रहे हैं, हम लेवीज की इक्विपमेंट बढ़ा रहे हैं, हमने उनके लिए इक्विपमेंट ज्यादा लिया है, वेपनरी ज्यादा ले रहे हैं, उनके इदारों को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट अपना काम अपनी जिम्मेदारी में लॉ एंड ऑर्डर पे वो भी कर रही है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम साथ साथ उन सारी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें जो कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाती हैं। यानी कि हमने पहली दफ़ा है डिसेबिलिटीज़ के हवाले से स्पेशल पीपल का कोटा हमने बढ़ाया और उसको कोशिश की कि एक प्रैक्टिकल लिहाज से करके दिखाएं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा 17 मेरा ख्याल स्पेशल पीपल बढ़ती हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है फाइनेंस में या सिविल सेक्रेटरीट में, इन दोनों में से एक था। इसी तरह बलूचिस्तान लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम है जो तकरीबन 6 अरब का है, वो हमारा चल रहा है। इसी तरह हमारे बहुत सारे इदारे हैं जिनके अंदर पोस्टों की पोजीशंस थी, खाली थी, वक्त के साथ साथ उनको भी हम फिल कर रहे हैं। इसी तरह हम बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, टूरिज़्म है, इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, इनके अंदर भी हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ भी लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं कि सरकार में सब लोगों की खपत हो। आज बलूचिस्तान के अंदर बेरोज़गारी लाखों में है, सरकार के अंदर जॉब हज़ारों में होते हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो हम उन सब के लिए सारे वेंचर्स खोल रहे हैं कि आज ये स्टेडियम बनेंगे इनमें लोग लगेंगे, आज ये फुटसॉल बन रहे हैं इनमें लोग लगेंगे, आज कोर्स डेवलपमेंट बन रही है इनमें लोग लगेंगे, हम इनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। हमने सिर्फ कोर्स डेवलपमेंट ऐसे नहीं की है, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग के लिए हमने पीसी वालों के साथ एक एग्रीमेंट कराया है जो हमारे बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग भी देंगे कि आपके पास अगर ये फैसिलिटीज बनेंगे तो आप उनमें किस तरह लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह ब्रांडिंग, पहली दफ़ा बलूचिस्तान में एक बड़े लेवल का लाइव एक्सपो हमने लाइफ स्टॉक का कराया, हमने एक टूरिज्म का कराया जो कराची में हुआ जिसको लोगों ने बड़ा सराहा। इसी तरह हमने माइनिंग की कॉन्फ्रेंस यहाँ क्वेटा में कराई, और अगर ये कोविड ना होता और अगर बर्फबारी का सीज़न ये 5 महीने नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 प्रोग्राम इस तरह के बड़े पैमाने पर और होते। और बहुत सारे लोग जिन्होंने लाइफ स्टॉक का एक्सपो देखा होगा वो इस बात की गवाही ज़रूर देंगे कि मैं दाद दूंगा उस डिपार्टमेंट को, लाइफ स्टॉक के मिठा खान साहब हमारे मिनिस्टर हैं, कि एक ऐसे स्टैंडर्ड पे वो लाइफ स्टॉक की एग्जीबिशन या एक्सपो हुआ जो शायद कराची और लाहौर में भी लगभग तकरीबन इसी लेवल की होती है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ा कि बलूचिस्तान किसी चीज़ में बहुत पीछे है, और वो काम जो इस्लामाबाद या कराची में हो सकते हैं क्वेटा में नहीं हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ, वो भी चला। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, बहुत सारे विमेन डेवलपमेंट बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स का है, विमेन वर्किंग हॉस्टल्स का एक प्रोग्राम हम लाए, विमेन बाज़ार का हम एक प्रोग्राम लाएँ, ये वो सारे हैं। इसी तरह मॉडल मार्केट संडे बाज़ार का एक कॉन्सेप्ट लाएँ जो चल रहे हैं। और इसी तरह माइनिंग सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कैबिनेट से पहले और आने वाली मीटिंग्स में हम इंशाल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम जिस साइल और वसाइल की हम बात करते हैं उसके हवाले से जो हम वसाइल का एक मैकेनिज्म बना रहे हैं उस पर भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। जनाब स्पीकर साहब, ये वो चंद बातें थी जो 2019-20 की थी, और ये कहना इसीलिए ज़रूरी था। मैं और भी डिटेल में जा सकता हूँ, मैं इस पर 2 घंटे और भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ हमें चीज़ों को थोड़ा कन्फाइंड भी रखना है कि हमने ये एक साल में जो कारकर्दगी की है जिसका मैंने आपको अभी मिसाल दी है, ये वो चीज़ों की मिसाल है जो कि बेसिकली हमारे एक मेन कॉन्सेप्ट में अगर आप समझ लें कि वो हैं जो कि हम लाते हैं बेसिकली, कि हमने डेवलपमेंट में क्या किया, बाकी चीज़ों में क्या किया, कैबिनेट में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, नॉन डेवलपमेंट में क्या रही, एंड मुख्तलिफ बहुत सारे इशूज़। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बजट में क्या करने जा रहे हैं। हमने तो पहले चलें कोई इस बात को माने या ना माने, मैंने हमारे कैबिनेट के मेंबरान ने अपनी तकारीर में, एमपीएज ने 12 बहुत जगह इन चीज़ों की तफसील से बयान किया। मैं बहुत सारी चीज़ें शायद अभी भी इसमें मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का तासर देना चाह रहा हूँ कि जिन चीज़ों की तरफ आप हमें बार बार इशारा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कर रहे हैं, बल्कि उससे बहुत बेहतर कर रहे हैं। और ये नहीं कि हम हुकूमत में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम सुबह दफ्तर जाएं, चाय पी के वापस घर चले जाएं,
हम किसी न किसी एक्टिविटी में सूबे के, चाहे उसकी डेवलपमेंट से हो, उसकी पॉलिसी से हो, उसकी परफॉर्मेंस से हो, उसके विजन से हो, उसके तरीक़ेकार से हो, उसके फ्यूचर नीड्स से हो, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में हमारी बहुत बेहतरी होगी, कुछ में कमी बेशी भी हो सकती है। कोई हुकूमत ऐसी दुनिया में नहीं है, चाहे आप यूरोप की कंपनी हुकूमतें निकालें, अमेरिका की निकालें, तनकीद हर जगह उसकी गुंजाइश बनती है, लेकिन हमें अपनी तनकीद के अंदर बेहतरी लानी चाहिए। हमें तनकीद बराए तनकीद इसलिए नहीं करना कि मुझे सरदार साहब और मुझे असगर साहब और मुझे कादिर नाइल साहब पसंद नहीं है तो बस पसंद नहीं है, और अगर पसंद भी नहीं है तो वजह भी बताऊं कि जी सरदार साहब यूं इसलिए नहीं पसंद, खोसा साहब इसलिए नहीं पसंद कि उनका रवैया ठीक नहीं है, उनकी बात ठीक नहीं है, उनका मेरे साथ रवैया सही नहीं है, मैं सिर्फ बोलूँ नहीं जी बस पसंद नहीं है। तो इनको अगर अपने दलाइल जब हुकूमत के खिलाफ देते हैं तो चीज़ें बताते हैं तो उनमें दलाइल डालें कि आपकी हुकूमत इसलिए ठीक नहीं है कि इतने कैबिनेट नहीं किए, इतने लॉ पास नहीं किए, इतने आपसे लेजिस्लेशन नहीं हो सकते, पीएसडीपी आप खर्च नहीं कर सके, स्कीम आप एग्जीक्यूट सही टाइम पे नहीं कर सके, जुलाई में आपने पहला टेंडर नहीं किया, आपने अपनी क्लोजिंग ठीक नहीं, फिस्कल पॉलिसी पहली दफा बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि सप्लीमेंट्री बजट बलूचिस्तान की हिस्ट्री में सबसे रेशियो में कम बना है। वरना सप्लीमेंट्री जनाब स्पीकर साहब ये जो बातें पता नहीं पिछली हुकूमतों में रहे नहीं रहे, बजट होता था 1 करोड़ का दिखाया जाता था सप्लीमेंट्री में, जी 2 अरब खर्च कर चुके हैं। हमारा टोटल सप्लीमेंट्री, अगर मैं गलत नहीं हूं, जरूर साहब यहां मौजूद होंगे, नंबर में आगे पीछे मैं कर सकता हूं, हमारा टोटल सप्लीमेंट्री शायद 7 या 9 अरब से ऊपर नहीं गया है। पिछली हुकूमतों का मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं, 45 अरब, 40 अरब, 35 अरब सप्लीमेंट्री बजट। तो ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि आपने जो पिछला बजट बनाया वो बहुत बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स में था और आपने एस्टिमेशन ठीक की, बजटिंग ठीक की। और यस, जरूरत पड़ती है, कोविड आया, बर्फ आया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एज्यूम नहीं करते, हिस्सा बन जाती हैं, ये हुकूमत का काम होता है और उनको हम आगे बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, हम क्या ला रहे हैं? हम रेजिडेंशियल कॉलेजेस ला रहे हैं, हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ला रहे हैं, हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 20 और 21 की मैं बात कर रहा हूँ, हम बोर्डिंग स्कूल्स ला रहे हैं, हम जनाब स्पीकर साहब बलूचिस्तान में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री लेबॉरटरीज इन ईच 22 BS कॉलेजेस में फुली इस्टेब्लिश्ड सेटअप्स ला रहे हैं, हम 14 मॉडल गर्ल्स इंटर कॉलेजेस उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है हम वो ला रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, हम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जहां पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने किया हो, सारे गर्ल्स इंटर कॉलेजेस को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इंशाल्लाह ताला अगले साल तक कोई भी गर्ल्स कॉलेज इंटर नहीं होगा, इंशाल्लाह सब डिग्री होंगे। और हमारा एम है कि इंशाल्लाह अपने टेन्योर के आखिर में हम बलूचिस्तान के सारे बॉयज कॉलेजेस को भी इंशाल्लाह डिग्री बनाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह N100 स्कीम्स फॉर प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर शेल्टरलेस प्राइमरी स्कूल्स, ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडल बिल्डिंग एंड एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हाई स्कूल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है। इसी तरह हेल्थ में आप देख लें, एक्सटेंशन ऑफ फातिमा जिना हॉस्पिटल क्वेटा है, ताफ्तान और नसीराबाद चागी, और जिस तरह रखनी की बात की है सरदार साहब ने, ये हमारे कोविड प्रोग्राम में, और जो दूसरे इसी तरह हमारा मिरखल किला अब्दुल्ला के हवाले से, दूसरे अजला के हवाले से था, पहली दफ़ा हॉस्पिटल्स बनाने इधर भी हम जा रहे हैं। टाइमलाइन फैसिलिटीज़ के हवाले से टेलीमेडिसिन का जो एक प्रोग्राम है जो पूरे बलूचिस्तान के कोने कोने में जाएगा, और हम अपनी इंटरनेट की फैसिलिटी PTCL से नहीं ले रहे, या कोई बोले कि जी हाँ 4G का आपने कार्ड लगा दिया है, सेटेलाइट फैसिलिटी से बलूचिस्तान की सर्विसेज हम हायर कर रहे हैं कॉमसेट के साथ, जो 4 BHUs अल्हम्दुलिल्लाह PPHI ने कंप्लीट कर ली हैं, और ये सारे